ट्विटर हैंडल्स पे लिखा था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। आपने देखा ही होगा सिसोदिया जी को किस तरीके से उन्होंने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया है। वही है कि विपक्ष अगर जरा सा भी कुछ करता है तो ये उनको जेल में डाल देते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कल को वो रिहा हो जाएंगे और कल को उनके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे। तो मुद्दा भ्रष्टाचार तो है ही नहीं ना, मुद्दा तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को रोकना है। पहली बात तो ये कि ये आपत्तिजनक फोटो नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर डेमोक्रेसी एंड अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस आर वर्ड्स। सो बेसिकली दीज पोस्टर्स आर जस्ट फॉर दी सेक ऑफ द डेमोक्रेसी एंड जस्ट फॉर दी सेक ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल एज दैट। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपत्तिजनक क्या ही आप बताइए। अगर हम देखें तो आज से 2 से 3 साल पहले भी या फिर जब भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तो उन्होंने भी तो ट्विटर हैंडल्स पे लिखा था कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तो तब क्या वो आपत्तिजनक नहीं था? तब क्या वो वहाँ पर फायर्स नहीं होने चाहिए थी? तब क्या वहाँ पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो आज हो रही है? तो सिंपल सी बात है कि ये एक तरीके की गुंडागर्दी हो रही है एंड ये जो है इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर फ्री, देर आर राइट कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वी हैव अ राइट, सो बेसिकली वी कैन डू दैट, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो हो रहा है बेसिकली ये हम अपने लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। आज दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये पूरे भारत के लिए लड़ी जा रही है। आप कह रहे हैं कि पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कह रहे हैं कि विश्व में हम डंका बजा रहे हैं, विश्व में अपनी छवि सुधार रहे हैं, देश को वैश्विक पटल पे ले गए और आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में किस तरीके से इन लोगों की गुंडागर्दी चल रही है। जो इनके साथ नहीं है उनको ये जेल में डाल देते हैं। आपने देखा ही होगा सिसोदिया जी को किस तरीके से उन्होंने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया है। वही है कि विपक्ष अगर जरा सा भी कुछ करता है तो ये उनको जेल में डाल देते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए कि अगर आज मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कल को वो रिहा हो जाएंगे और कल को उनके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे, तो मुद्दा भ्रष्टाचार तो है ही नहीं ना, मुद्दा तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को रोकना है, उनकी पार्टी को रोकना है, आम आदमी पार्टी को रोकना है। मुद्दा भ्रष्टाचार पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। बेसिकली ईडी सीबीआई इज जस्ट देयर हैंड्स, आप ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सुप्रीम पावर है वो इस टाइम पे, दैट्स व्हाई। शोर तो बहुत लोग मचाते हैं लेकिन शोर में एक सच भी होना चाहिए, लेकिन वही है सच की जीत होगी, आज नहीं तो कल। भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, तो ज़रूर सच की जीत होगी एंड थैंक यू सो मच।